मित्रों आप लोग स्क्रीन पे ए छोटी सी क्लिप देखो और एक क्लिप मैंने भी किसी से लिया है शॉर्ट से। आप देखो मित्रों कि कैसे इन्वर्टर के बगल में ये जो इस एसीडीवी लगा है ये जल रहा है और बुरी तरीके से जल रहा है। आज इसी के बारे में बताएंगे। अगर आप सोलर पैनल लगाए हैं या लगाने के लिए सोच रहे हैं तो कैसे आप सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कभी खतरा नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों आपने क्लिप तो देख लिया कि कैसे जो है एसीडीवी एमसीबी जल रही है बगल में और काफ़ी तेज़ी से जल रहा है। अगर ये मान लो कि कोई झोपड़ी में अगर लगा दे तो पूरा झोपड़ी ही बर जाए, बट इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और मैं कैसे किया हूँ उसके बारे में बताएंगे। देखो मित्रों आपने जो देखा, मैं आपको बैक कैमरा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस सोलर के लिए एमसीबी लगाया है। अगर कभी भी ए एमसीबी हीट होगी, अगर सोलर से इस एमसीबी के मतलब कि जो कैपेसिटी है इससे अधिक अगर लग गया सोलर पैनल, तो ए एमसीबी या तो ट्रिप करेगी या तो गर्म होके ए जलने का डर रहेगा। या मित्रों अगर आपने बैटरी के लिए एमसीबी लगा दिया, अगर मित्रों बैटरी के लिए एमसीबी लगा दिया, अगर आपने इससे अधिक लोड ले लिया, या तो ये ट्रिप करेगी या तो गर्म होकर जल जाएगी। बट इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका बताएंगे, बट थोड़े पैसे आपके खर्च होंगे। देखो मित्रों कभी भी अगर आप एमसीबी या एसीडीवी लगाते हैं, अगर आपका सिस्टम 5 किलोवाट का है, आपका लोड 5 किलोवाट का है, तो अपने लोड से ना कम 1.5 से 2.5 गुना उसकी कैपेसिटी लगाओ। अब आप बोलोगे भाई ट्रिप नहीं करेगा, मित्रों सर ट्रिप नहीं करवाना है, कहीं ये ट्रिप ना करने के चक्कर में गर्म होकर जल गया और दिन भर आप इस पर निगरानी तो करोगे नहीं, क्या पता कुछ सामान है जल जाएगा। अब मित्रों इसको आपको हमेशा कैपेसिटी से ज़्यादा आपको लगा के रखना है। अगर मान लो आपका इन्वर्टर 10 किलोवाट का है तो कम से कम मित्रों आपको इसमें 125 एम्पियर का एमसीबी लगाना है, मतलब कि आपको 125 जो है यहाँ पे जो एमसी दिख रहे हो ना 125 एम्पियर की आपकी एमसीबी होना चाहिए। बोल्ट इसका कम से ना कम 800 से 1000 होने चाहिए। अब इससे फायदा ये होगा मित्रों कि आप अगर लोड उस पर डाल दोगे तो एमसीबी गर्म नहीं होगी, एमसीबी गर्म होगी क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक होते हैं, मतलब फाइबर होते हैं, वो जलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे कभी ख़राब नहीं होगा। चलिए ये तो आपने जान लिया कि हम इस तरीके से अगर लगाते हैं तो हमारा सिस्टम काम करेगा। अभी आप देखते हैं कि ए एमसीबी काफ़ी महंगी एमसीबी है और मैं लगाया हूँ, और शायद ये महंगी एमसीबी बहुत कम लोग यूज करते हैं, सबको आज के ज़माने में सस्ते क्वालिटी का एमसीबी चाहिए। ए एमसीबी कम से ना कम 12 से 13 किलोवाट का लोड झेल लेगा और दिक्कत इसको नहीं आएगा। बट मैं इसको लगाया हूँ अपने काम के लिए, वैसे काम कर रहा है। यहाँ भी और भी एमसीबी है। अब इस तरीके से आप इसको एमसीबी लगा लिए दोस्तों, एसीडीवी जो लोग लगाते हैं सेम चीज़ें आपको एसीडीवी में भी आपको बोल के कि मुझे हैवी वाला उसमें जो है एमसीबी है फ्यूज है वो हैवी वाला होना जरूरी है। अब ऐसा करने से आपका वो हिट नहीं होगा, जलने वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अब आपने ये तो जान लिया। अब मित्रों हमेशा जैसे ये सोलर का वायर आया हुआ है तो मैं इस तरीके से मेरा ये पतरा है, यहाँ से वायर आया हुआ है, अब ये वायर इसके थ्रू मैं यहाँ से बाहर निकाल दिया हूँ, बाहर मेरा पैनल लगा हुआ है। अब मित्रों जहाँ पे आपका पैनल का सिस्टम होता है, पैनल के सिस्टम के पास आप लोगों को वहाँ पे एक बॉक्स बना के एक एक्स्ट्रा एमसीबी लगा के रखना है। अब बोलोगे ऐसा क्यों करना हमें, उससे हमारा पैसा बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। देखो ऐसा करने से होगा क्या, कभी भी अगर आपके सिस्टम के पास अगर आग लगती है तो पावर काटने के लिए आपका दिमाग काम नहीं करेगा और तुरंत ही आप उस सोलर के पास जो एमसीबी लगा होगा वहाँ सप्लाई काट दोगे। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर पानी भी डालोगे तब भी आपको करंट मारने का कोई खतरा नहीं आएगा क्योंकि सप्लाई इसके अंदर है ही नहीं। अगर पानी का ये जरा भी अगर पा लिया असर, तुरंत ये बुझना चालू होगा। पता है क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई भी सप्लाई नहीं है। अब एसी सप्लाई अगर आपने दिया है, एसी सप्लाई आपने इन्वर्टर में इन कर दिया है, या एसी सप्लाई आपने इन्वर्टर से लोड चला रहे हो, जैसे आप ये मेरा एसी का वायर दिख रहे हो, तो मैं तो यहाँ पे एसी वायर के लिए यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन एसीबी सब लगा के रखा हूँ। ठीक है, ये लोड होगा कुछ भी होगा ट्रिप करेगा, चलो ये तो ठीक है, बट आप लोगों को हमेशा अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको एमसीबी दो जगह इस्तेमाल करना है, एक लगाना है सिस्टम के पास और एक एमसीबी लगाना है कहीं जहाँ पे आप
खाना पीना खाते हो, बैठते हो, रहते हो, वो आपका कोई बालकनी है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको एक एमसीबी लगा के रख देना है। इससे क्या होगा, कभी आपके सिस्टम के पास अगर कोई चीज़ें अगर मान लो जैसे कि जलता है या महकता है, धुआं देता है, कुछ भी होता है, शॉर्ट होता है, तो वहाँ सप्लाई काट दोगे, अगर कोई भी अगर आएगा यहाँ पर, अगर नंगे तार को पकड़ लेगा ना, तभी उसे करंट नहीं मारेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने सप्लाई वहाँ से काट दिया है। अब ये मेरा दिमाग है, अब आपने, आप बोलोगे भाई अपना दिमाग बता रहे हो, मुझे पता था ऐसा वैसा। देखो भाई, सबका दिमाग अपना अपना होता है, मैं अपना दिमाग बता रहा हूँ, आपको पसंद आएगा तो आप ग्रहण करोगे, आपको पसंद नहीं आएगा आप ग्रहण नहीं करोगे। मैं आपको बदल नहीं सकता, ना आपकी सोच को मना कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये काम करके रखना है, मतलब कि आपको हर जगह प्रोटेक्शन दो जगह इस्तेमाल करना है। ये क्यों बता रहा हूँ, मैं गया था घर में, वहाँ भी प्रोटेक्शन तीन जगह इस्तेमाल किया हुआ था। मैंने पूछा कि आपने प्रोटेक्शन तीन जगह क्यों इस्तेमाल किया है, तो सवाल आया कि भैया देखो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कब खराब हो जाए, कब जल जाए, कब क्या हो जाए, इसके लिए हमेशा एडवांस में सोच के रखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने देखा तो एक चीज़ हमको देखने को मिला कि कभी अगर सिस्टम के पास अगर आग लगती है तो सिस्टम के पास तो करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा ना, और अगर प्रोडक्शन कहीं पीछे भी अगर लगा के रखा है तो वहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पे करंट नहीं दौड़ेगा और यहाँ से पूरे सिस्टम को हम बंद कर पाएंगे और हमारा सिस्टम सेफ रहेगा। अगर हम पानी फेंकते हैं तब भी आग नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि अगर उसमें कोई करंट नहीं है तो शॉर्टिंग नहीं होगा, कहीं ब्लास्ट नहीं होगा और आप किसी तरीके इसको बुझा सकते हो। एक छोटा बच्चा आएगा वो भी उसको मैनेज कर सकता है, घर कोई परिवार है लेडीज वो भी देख ले, क्योंकि भाई करंट नहीं है। अब करंट है, मैं बता रहा हूँ आज से 18 साल पहले की बातें बता रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी गोमती थी, मैं उसमें टाफी नमकीन बिस्किट रख के बेचा करता था और उसमें मतलब कि मैं इलेक्ट्रॉनिक काम भी किया करता था, पैसे बहुत गरीबी थी, खाने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो उसमें मैं उसी गोमती में सो जाता था और उसी में ट्रांसफार्मर बेंडिंग, मोटर बेंडिंग, पंखा बेंडिंग, मैं बहुत छोटा जगह था, मतलब कि आप समझ लो कि 3 फीट चौड़ा 4 फीट लंबा, उसी में सोना खाना पीना सारा काम मारा था उसी गोमती के अंदर। अब मित्रों हुआ क्या कि मतलब कि आप जानते हो ना कि अगर आप गांव में काम कर रहे हो तो उधार बाड़ी आपको देना पड़ेगा, नहीं दोगे दुश्मन लग जाएंगे, भाई हमको नहीं दे रहा है ऐसा वैसा। तो दोस्तों सब लोग फ्री में करवा के चले जाते थे, पैसा हमारे पास उतना था नहीं, अब फ्री में कर देते तो पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से। ये कहानी सुनना जरूर, इससे थोड़ी सी कहानी है। तो मित्रों हुआ क्या कि मैं कुछ दिन से काम करता चला गया तो हुआ क्या कि उस गुमती के ऊपर झोपड़ी था, समझे ना, गाँव में देखोगे तो जिसको मड़ई बोलते हैं, उस पर किसी ने दोस्तों आग लगा दिया, वो बर गया। अब मैं गोमती में अपना सोया हुआ था, अब हुआ क्या मित्रों की गोमती मैंने अपना वायर कर जल बिजली का अपना लगाया हुआ था, उसमें सोलर सिस्टम नहीं था। तो मित्रों हुआ क्या कि जैसे आग लग गया तो सरपत तो सब जल गया, सब चीज़ जल गया, जब गोमती में आग लगी मुझे गर्मी लगना चालू हो गया और ठंड का मौसम था, जब शरीर एकदम मेरा गर्म हो गया कि मुझे क्यों इतनी गर्मी लग गई, बाहर दिखा तो पूरा एकदम आग ही आग था। अब बिजली का जो तार था वो मतलब कि जल चुका था, और जल के लटक रहा था, उसमें करंट आ रहा था, बट एमसीबी मैंने अंदर लगाया था बट वो शॉर्ट नहीं हुआ ना एमसीबी गिर पाया। इसके बाद मित्रों मेरे पिताजी देखे कि गुमती में आग लग गई है और मैं जलने वाला हूँ, अब मैं जल जाऊँगा, मतलब कि अगर मेरे पिताजी नहीं आते तो मैं उसमें जिंदा ही जल जाता, क्योंकि उसमें मेरे को निकालने वाला भी नहीं था। मित्रों मेरे पिताजी तुरंत दौड़ के आए, और सोचे कि मैं गुमती का जो पल्ला होता है लकड़ी का उसको तुरंत तोड़ के मैं खींच निकालूं, जैसे पकड़े उनको तुरंत ही करंट मार दिया। जैसे करंट मार दिया मेरे पिताजी का जो पेट का आंत होता है वो फट गया, पर मेरे पिताजी को पता नहीं चला कि इनका उनका आंत फट चुका है। उन्होंने वो घींच के निकाला, मेरी पूरी गुमती बर गई, मेरा सारा सामान जल गया, कम से ना कम जो भी मैंने मजदूरी करके जुटाए थे सब मेरा जल के खराब हो गया। इसके बाद मित्रों मेरे पिताजी को पता नहीं चला कि मेरा हाथ फट गया है। 4 से 5 घंटे बाद धीरे धीरे को दर्द चालू हुआ, पेट में दर्द हुआ, मैंने डॉक्टर को बुला के लाया। इसके बाद डॉक्टर ने देखा कि उनका हाथ जो है फट चुका है। इसके बाद जब मैं गया वहाँ पे जौनपुर लेके गया, वहाँ पे हॉस्पिटल पड़ता है लाइफ लाइन, वहाँ पे जाके मैं एडमिट कराया, उनके आँख में छेद हो चुका था उस बिजली की तार की वजह से मित्रों। इसके बाद ऑपरेशन हुआ, पैसे नहीं थी, बहुत गरीबी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। अब मित्रों वहाँ पे अगर एक एमसीबी मैं अपने घर में अगर लगा के रखता
तो होता क्या इससे कि मेरे पिताजी को ये पता चल जाता कि पावर काटने का भी एक एमसीबी है, वो तुरंत गिरा देते और आके हमको बचा लेते, उनका जान बच जाता। तो मित्रों जिंदगी में आपका मकान में भले से पूरा पैक वायरिंग हुआ है, इसीलिए हमेशा एमसीबी प्रोटेक्शन दो जगह इस्तेमाल करो। पैसे थोड़े लगेंगे, दो जगह लगाने से फायदे आपके ये होंगे कि कभी भी अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो एक जगह से अगर हुआ है तो दूसरी तरफ मेन पावर काट सकते हो। कुछ लोग चेंजर लगाते हैं, चेंजर सबसे घूमता भी नहीं है, अगर कोई ताकतवर आदमी होगा ना वही घुमा पाएगा। चेंजर बहुत जाम होता है, यदि घूमता भी नहीं है, कुछ लोग मान लो कभी कभी घूम भी जाता है, तो इसका इस्तेमाल न करके इस तरह का इस्तेमाल करो, कभी खतरा नहीं आएगा। ये जिंदगी की सीख है, बाकी आपकी मर्जी। आप मुझे उल्टे पुलटे कॉमेंट में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आपकी इच्छा है भद्र सवाल बोलने का तो बोल सकते हो, बट जो मेरे पास दिमाग था वो मैंने आपको शेयर किया। आपके पास जो है आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, बाकी यही सिस्टम था मैंने आपको बताया। देखो काफ़ी पसीना हो रहा है आप लोग को वीडियो बना के देने में, तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।